जहेज का सामान लेने आए हैं। जो तुम लोगों ने किया है तुम्हें लगता है उसके बाद तुम बच सकते हो? कत्ल करना तुम्हारे खून में शामिल है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं कुछ समझी नहीं आजादे साहिबा, आप क्या कह रही हैं मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही। अब तुम सब समझ जाओगी। तुम्हें लगा हम इनसे बेवकूफ बन जाएंगे? जो खून तुमने बहाया है उसका बदला इस तरह से दोगे तुम लोग? इन कपड़ों से, इन जूतों से खामोश करवा दोगे हमें? कसम से बहुत चालाक हो तुम लोग। तुम लोगों का शातर दिमाग इस सब में बहुत अच्छा चलता है माशाल्लाह। हमने तो ये सामान नहीं, तुम लोग उस खून का बदला उतारना ही नहीं चाहते हो, मैं जानती हूँ, बल्कि खून बहाना चाहते हो। बेशरम और घटिया लोग हो तुम। एक खंजर जहेज के बॉक्स में छुपा के आखिर कैसे भेज सकते हो तुम? तुम्हारी बेटी की जुर्रत कैसे हुई कि इसने इस खंजर से मेरे पोते को जख्मी कर दिया? देखो तो जरा, ये भी अपनी बहन के जहेज में कुछ भेज रहा है। तुमने क्या रखा है इसमें जेवदित? अम्मी, अगर मुझे खबर होती कि आप ये भेजने वाली हैं, तो मैं कोई अच्छा सा तोहफा देता, लेकिन देर से पता चला। हम दोनों की एक अच्छी फोटो है जो दिलान को भी पसंद है, वही रखी है। मेरा प्यारा सा बेटा, अच्छा किया, दिलान को अच्छा लगेगा। हाँ जेवदित, देखो उस रकम को कहीं महफूज जगह पे रख दो, खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो जाए। ठीक है अम्मी, रख दूंगा। दिलान, जो मैंने सुना वो सच है? आजादे साहिबा सही कह रही है क्या? तुमने बारान साहब पर हमला कर दिया? क्यों किया तुमने ऐसा?